मामला शिवपुर नगर पालिका का है, जहां अध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप लगे हैं। नगर पालिका शिवपुर में नेता प्रतिपक्ष सलाउद्दीन खान ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका क्षेत्र की बेशकीमती भूमियों को कोड़ियों के भाव में बेचा जा रहा है। सलाउद्दीन ने मीडिया को बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष रेणु गर्ग और पालिका कर्मी इसमें मिले हुए हैं और अपने मिलने वालों को फायदा पहुँचाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कुछ जमीनों के नाम बताते हुए कहा कि पाली रोड पर पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास में जिस जमीन की कीमत फरवरी महीने में 2-1 करोड़ तक लग चुकी थी, अब उसको मात्र 62 लाख में बेचा जा रहा है। इसी प्रकार बस स्टैंड में 15 लाख में जिस दुकान को बेचा गया, उसकी मार्केट कीमत 20 से 25 लाख है। इसी प्रकार शिवपुरी रोड स्टेडियम के पास दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनको निर्माण से पहले ही बेच दिया गया है और बोली लगाने से पहले ना तो शहर में कोई मुनादी कराई गई और ना ही प्रचार प्रसार कराया गया। नगर पालिका में इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार देखने को मिला है। निर्माण कार्यों से लेकर साफ सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। शिवपुर नगर पालिका CMO सतीश मठसैनिया का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो राशि है उसको ध्यान में रखते हुए ही उसकी प्रारंभिक बोली तय की जाती है। उसके आगे फिर जो हमारे बंद लिफाफे में बोली तय की जाती है, वह प्रक्रिया नियमानुसार ही नगर पालिका के द्वारा की गई है। ये नगर पालिका की प्रक्रिया है कि कुछ दुकानों को बनाकर बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, अगर बनाने के लिए फाइनेंस उपलब्ध नहीं है नगर पालिका के पास में तो उसको बिना बनाए उसको बेच सकते हैं। जो बिना बनी है तो उसका पैसा बनने की जो कास्ट है अगर बढ़ाकर बेचते हैं तो उसमें बनाने की कास्ट भी जोड़ी जाती है। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष पे कि वो कर्मचारियों के मिली भगत से कर्मचारी अध्यक्ष और जितने भी पक्ष के पार्षद वो सब उसमें मिले हुए हैं और ये कम ये जो भूखंड है ये पहले 1 करोड़ रुपए की इसकी बोली लगी थी, उसके बाद फिर 75 लाख की लगी, अब उनने 62 लाख में इसको कर्मचारी से मिलके जिसका अतिक्रमण है भूखंड पे उससे मिलके पैसे वैसे लेके साठ गांठ करके उसको बेच दिया गया। इसी तरीके से बस स्टैंड की एक दुकान है जो वर्तमान में 20-25 लाख की दुकान है, उसको भी 15 हज़ार में बेच के उसके ऊपर पैसे ले लिए और यही भ्रष्टाचार चल रहा है नगर पालिका में। ये है ना वो शासन मध्य प्रदेश शासन के जो नियम है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी जो राशि है उसको ध्यान में रखते हुए ही उसकी प्रारंभिक बोली तय की जाती है और उसके आगे फिर जो हमारे बंद लिफाफे में बोली प्राप्त की जाती है वो प्रक्रिया नियमानुसार ही हमारे नगर पालिका के द्वारा की गई है। ये तो नगर पालिका की प्रक्रिया है कि कुछ दुकानों को अगर बना के बेचना चाहें तो बना के बेच सकते हैं, अगर बनाने के लिए अगर फाइनेंस उपलब्ध नहीं है नगर पालिका के पास पैसा उपलब्ध नहीं है तो उसको बिना बनाए ही उसको बेच सकते हैं। जो बिना बनी है तो उसका पैसा बनने की जो कॉस्ट है उसमें नहीं जुड़ती है, अगर बना के बेचते हैं तो उसमें बनाने की कॉस्ट भी जुड़ी जाती है।